नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर। और महामुलाकात को लेकर बड़ी कवरेज के साथ सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि रूस में आज प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी और कजान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर खबर बड़ी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इसकी पुष्टि की है। There will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. तो कजान में महामुलाकात आज, इसकी इस पूरी दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर। पीएम मोदी शी जिनपिंग की आज मुलाकात है, दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। 5 साल के बाद औपचारिक तौर पर द्विपक्षीय बैठक यह हो रही है। यह आपको बता दें, 2020 में गलवान झड़प के बाद यह पहली बैठक है। बैठक से संबंधों की तलखी कम होने की उम्मीद है। हालांकि मुलाकात के मायने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां भारत चीन को एक साथ दिखाकर पश्चिम को संदेश देने की रूस की इस कोशिश को लेकर खबर समझी जाएगी। साथ ही यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन एशियाई ताकत को एकजुट करना चाहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है करुणा, ये जानना कि आखिर इस महामुलाकात का किस तरीके से पूरी दुनिया में बड़ा संदेश भी जाएगा। बिल्कुल, देखिए फाइव आईज को लेकर भी एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है जो ये मुलाकात हो रही सबके बीच। कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान से भी मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद पजिश्कियान की मोदी से पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब आप जानते हैं कि जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, कभी भी इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इन तमाम हालातों के बीच ये मुलाकात काफी अहम है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिर क्यों खास है, इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि 2019 के बाद जो कि ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद पहली बार है जब ये मुलाकात हो रही है। 2014-2020 के बीच 18 बार मोदी और शी जिनपिंग में मुलाकात हो चुकी है। 2020 में गलवान के बाद रिश्ते में खटास आ गई थी, जो गलवान झड़प हुई थी। 2020 के बाद मोदी शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। 4 साल के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, जो कि कजान में आज होने वाली। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन एक समझौते पर भी पहुंच गए हैं, राजी हो गए हैं, और बकायदा विदेश सचिव की तरफ से इस बारे में जानकारी को शेयर किया गया। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। चलिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड ए के शिवाद सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अचल सर, पहला सवाल आपसे, ये समझते हुए कि आज होने वाली इस मुलाकात के मायने क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मुलाकात जो है, जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एपिसोड हुआ था मई 2020 में, 4 साल के बाद लगातार 54 महीने तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और मिलिट्री नेगोशिएशंस के बाद वहां पर एक समझौता हुआ है। और हम काफी समय से कह रहे हैं कि जब तक बॉर्डर्स के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तो भारत और चाइना के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। इस समझौते ने एक रास्ता तैयार किया है कि दोनों देशों के जो नेता हैं वो आपस में फिर से एक बार मिल बैठे और एक नए परिपेक्ष में भारत और चाइना के रिश्तों को आगे कहां ले जाया जा सकता है, इस विषय में बात कर सके। यहां लेकिन मैं ये जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं कि जो भी समझौता हमारा हुआ, जिसके बारे में, पेट्रोलिंग के बारे में या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को जो अप्रैल 2020 में था, ये अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर संबंधी जितने भी दूसरे इश्यूज हैं, उस पे अभी भी हमारे में कोई आपस में सहमति नहीं हुई है। चाइना का अरुणाचल पर क्लेम जो है वो वैसे का वैसा है, और जब तक हमारे बॉर्डर डिमार्केशन डिलिमिटेशन नहीं हो जाती, तो बॉर्डर इश्यूज को हमें रिजॉल्व नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली भारत जो है अब चाइना के साथ बातचीत तो जरूर करेगा, लेकिन
पिछले जितने भी हमारे उनके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से डायलॉग और डिप्लोमेसी के बलबूते बैठकों के इसी दौर से क्या तलखी कम होने की भी उम्मीद रखना सही है? जी हाँ बिल्कुल, वो ये तो रास्ता बना है, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारी बॉटम लाइन ही यही थी कि जब तक बॉर्डर पे ये पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो एग्रीमेंट हो गया है तो अब हर वो पॉसिबिलिटी है कि दोनों बात करेंगे और रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तनाव को कैसे कम किया जाए, बॉर्डर इशू को भी हो सकता है बैक बर्नर पे रख के बाकी जितने भी एरियाज हैं जिसमें सहयोग किया जा सकता है वो किया जाए। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ब्रिक्स जैसा जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है वहाँ भारत और चाइना दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी है कि अगर ये आपस में तनाव नहीं है तो ब्रिक्स को भी मजबूत करने की दिशा में ये जो मुलाकात है, जो बातचीत है, जो रिश्तों में सुधार है वो बहुत बड़ा सही। यही वजह है अचल मल्होत्रा सर की जो पश्चिमी देश है खासतौर पर अमेरिका उसकी भी इस मुलाकात को लेकर और ब्रिक्स में क्या हो रहा है इस पर एक नजर है। मेजर जनरल ए के सिवास सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवास सर आपसे जानना चाहूंगा एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप किस नजरिए से देखते हैं क्योंकि दुनिया में दो फ्रंट्स इस वक्त वॉर से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ जो इस वक्त एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा था, तनाव देखने को मिल रहा था गलवान झड़प के बाद से ही 2020 से ही भारत और चीन के बीच में उस सब के बीच में एक सहमति बनी है, पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आज की मुलाकात और जो कुछ हुआ है अभी भारत और चीन के बीच में इतना कितना क्रूशियल आप मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा इसमें कोई शक नहीं, भारत और चीन के जो रिश्ते थे उसमें बहुत बड़ी खटास आई थी गलवान के बाद और स्पेशली जब चीन तीन डिवीजन लेके अप्रैल 2020 में आ गया था और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट थे डैपसांग और डैपचौक में जाने नहीं दे रहा था और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट में आपस में बातचीत हुई और बातचीत से क्या हुआ कि जो तीन फ्रिक्शन पॉइंट थे गोगरा हॉटपेंग और आपका नॉर्थ एंड साउथ पंगैंगसो और गलवान बाय लाल रिजॉल्व हो गए थे मगर जो डैपसांग का था और डैमचोक का उस पर रिजॉल्वेशन नहीं हुआ था, उसमें यथास्थिति नहीं आई थी क्योंकि वहां पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट है डैपसांग स्पेशली 10 से 13 तक वहां पर ब्लॉक कर रही थी जो चाइनीज और हम भी उनको ब्लॉक कर रहे थे बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट पर और इसी प्रकार डैमचोक में जो ये समझौता हुआ है मुझे लगता है एक गेम चेंजर है और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि अगर हमने अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं बॉर्डर पे तो कुछ गिव एंड टेक है। जिस प्रकार से अब चीन यथास्थिति अप्रैल 2020 की करने के लिए माना है वो एक मुझे लगता पॉजिटिव स्टेप है मगर ये एक कॉशन भी है, ये याद रखना कि जो चीन कहता है करता है उसमें भी बड़ा फर्क है। दूसरी बात ये है कि अभी ये डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन जो है वो अभी भी रहेगा। कहने का मतलब यह है चीन ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है लद्दाख में, उसने तीन डिवीजन से ज्यादा अपना जो ट्रुप्स वहां डिप्लॉय किए हुए हैं, हैवी आर्टिलरी, उसके बाद एक प्रकार से टैंक्स और मिसाइल वो सब कुछ है। तो भारत इसको लाइटली नहीं लेगा, भारत यूं तो जिस एंगेजमेंट या यथास्थिति अप्रैल 2020 की हो जाएगी मगर भारत भी अपने ट्रुप्स को डी इंडक्ट नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने भी बना लिया है जो कि काबिले तारीफ है, हम जब तक इसकी डी इंडक्शन नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में ये सोचना कि चीन जो है मान गया हर चीज के लिए ये कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही सर, लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए अगर आज भी मुद्दे टेबल पर बैठकर डिस्कस होते हैं और वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तो खबर को उस लिहाज से समझा भी जाना चाहिए। लेकिन अचल सर, ब्रिक्स समिट में देशों की मौजूदगी के बीच भारत का ये टेक अवे क्या? भारत का सॉरी आप भारत के लिए ब्रिक्स समिट से क्या टेक अवे है? देखिए ये हम जो ये सोचते हैं कि हर मीटिंग हर अप्रोच से क्या टेक अवे है ये मैं थोड़ा इससे अलग हटके इस बात का जवाब देना चाहूंगा जी। बात ये नहीं है भारत आज वो भारत उस स्थिति में नहीं है जब एक जमाना था जब लोग कहा करते कि भारत में कोई बाहर से आता है तो पूछते थे भाई क्या लेके आए हो और जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। भारत इस समय ग्लोबल प्लेयर है। भारत आपको समझना होगा कि ब्रिक्स की यूएसपी है क्या, आफ्टरऑल यूएसपी क्या है ब्रिक्स की? ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका और वेस्टर्न डोमिनेटेड
ग्लोबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया जो फ्लॉड है, जो एक्सक्लूसिव है, जिसमें उभरते हुए देशों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके मुकाबले में एक नया ऑर्डर अल्टरनेटिव सुझाने की दिशा में काम कर रहा। सॉरी टू बटन सर, लेकिन इसी अल्टरनेट में भारत की मौजूदगी, ये देखते हुए कि हमारे पश्चिम के साथ पैरेलली किस तरीके से रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन हालात के बीच में पश्चिम के साथ, खासकर अमेरिका के साथ भारत न्यूट्रल रहा है, आज अगर वो पुतिन के साथ भी सेम फ्रेम में है, इसे कैसे लिया जाएगा, परसीव किया जाएगा? नहीं देखिए, ये एक अलग चीज है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है। हमारी जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की कि हम, और ये मान के चलते हैं कि हमारा किसी एक देश के साथ जो रिश्ते हैं उसका दूसरे देश के साथ रिश्तों पे कोई संबंध नहीं है। हम इश्यू बेस्ड लेकर चलते हैं। आज हमारे अमेरिका के साथ भी कुछ इश्यूज हैं जिन पे मतभेद हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर। वो समय समय पे वहां से उल्टी सीधी रिपोर्ट्स आती रहती है। अभी वो टेररिस्ट जो पनून है उसको लेकर भी हमारे बीच पे वो है। लेकिन ये जो ओवरऑल हमारे रिलेशंस है, अमेरिका से भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छा सर। और सर, और देखिए, दुनिया भर में भी हमने देखा किस तरह से भारत का जो विदेश नीति को लेकर स्टैंड रहा है, इसकी तारीफ भी हुई कि कैसे भारत अपने महत्व को ख्याल रखते हुए, वो चाहे अमेरिका हो या फिर रूस हो, दोनों के साथ काफी अच्छे संबंध है। सिवास सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भारत और चीन के बीच में एक सहमति बनी है और जो समझौता हुआ है गलवान में, जो पूर्वी लद्दाख है वहां एलएसी में, मई 2020 से पहले वाली स्थिति है उसको बहाल करने पर एक आम राय बन गई है, क्या आपको लगता है, जिसका जिक्र अभी इससे पहले अचल मल्होत्रा सर ने किया, इसके अलावा भी अरुणाचल है, तमाम अलग अलग जगहों पर चीन ने बॉर्डर डिस्प्यूट खोल रखा है, क्या वहां के लिए भी कोई उम्मीद जगती हुई आपको नजर आ रही कि वहां भी कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? देखो सच्चाई यह है करुणा, ये जो बॉर्डर इशू भारत और चीन के बीच के अंदर एक रुकावट था, और मुझे लगता है इसको आप ऐसे देखें, ये एक पर्सनल विक्ट्री पुतिन की भी है, क्योंकि ये ब्रिक्स समिट कजान में हो रही है और कहीं ना कहीं रूस आइसोलेटेड है, वो यूरोप ने उसको आइसोलेट किया है, अब वो ईस्टवर्ड देख रहा है, और जिस प्रकार से रूस और चीन तो नजदीक थे, मगर जब भारत भी आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो आरआईसी है, रूस इंडिया चाइना, इसका महत्व तो ब्रिक्स में बहुत हो जाता है। वो कह रहा है कि अब क्योंकि भारत और चीन के रिलेशनशिप अगर ठीक होंगे तो ब्रिक्स जो है वो अपना पूरा काम कर पाएगा, जहां डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, वो करेंसी की जो कि डॉलर को टक्कर दे सके, कहीं ना कहीं जो एक धारणा थी यूरोप में कि पुतिन जो आइसोलेट हो गए, वो अब वो धारणा नहीं रही, क्योंकि सच्चाई है कि पुतिन के ने दिखा दिया है, उसके साथ ब्रिक्स के सभी मेंबर खड़े हुए हैं, उसके साथ चीन है, और भारत एक ऐसा देश है जिसकी छवि बहुत बड़ी है वर्ल्ड के अंदर। आज भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस का भी है, और ऐसे में अगर ब्रिक्स के जो पांच देश और पांच और आगे हैं वो इकट्ठे खड़े हैं, तो मुझे लगता है ये जो भी कार्रवाई हुई ये कहीं ना कहीं पुतिन की भी पर्सनल जीत है, उस वो एक फैसिलिटेटर का उन्होंने काम किया है भारत और चीन को नजदीक लाने के लिए। और अब आप देखें इस ब्रिक्स की अहमियत कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन है, 25-30% जीडीपी है, और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जब से भारत और चीन के रिलेशन खराब हुए, मगर उसके बाद जब से रशिया यूक्रेन वॉर, तो बहुत प्रेशर आ सकता था इंडिया पर, मगर जब से 32% हम ऑयल लेने लगे हैं रूस से, उस पर बिल्कुल, और यही भारत की जीत है और इससे पूरी दुनिया यही है समझती भी, और यही पुतिन भी करना चाहते हैं कि वो ब्रिक्स को, रिलेशनशिप भारत, बिल्कुल सर, वो शिवाज सर, वो ब्रिक्स को इतना मजबूत बनाना चाहता है, अगर कोई स्टैंड ऑफ है बिटवीन द नेशंस तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक सॉल्यूशन पर पहुंचा जाए, और जो पश्चिम है उसको भी एक जवाब इसके जरिए दिया जा सके। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। नोएडा में कारोबारी की मौत के मामले में ये खबर आ रही है, जहां पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जलती कार में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला था, कार में आग लगाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद के रहने वाले संजय यादव, सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में शव मिला है। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर शक जताया जा रहा है, आशंका इस बात की कि हत्या को अंजाम कार में आग लगा कर दिया गया है।
बिल्कुल देखिए, 22 अक्टूबर की रात को दादरी इलाके का नगला नैनसुक गांव है जिसके पास में एक फॉर्च्यूनर कार जो थी वो जली हुई हालत में थी। कार जल रही थी और अंदर एक शख्स पड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने देखा और उन्होंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, उसने आग को बुझाया, जिसके बाद जो मृतक है उसकी पहचान गाजियाबाद के नेहरू नगर के संजय यादव के तौर पर की गई थी। परिवार वालों ने बताया कि वो अपने घर से साइट पर जाने के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। जो दो लोगों पर पुलिस को शक जताया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कोई ज्वेलरी के लेन देन को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जो है संजय यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही उनकी लाश को जला दिया गया। पूरी फॉर्च्यूनर कार को भी जला दिया गया ताकि कोई सबूत ना मिले। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, संजय यादव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो पूरी आगे की कार्रवाई है कि किस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया, क्या मर्डर गाजियाबाद में किया गया और उसके बाद बॉडी को नोएडा में डंप करके उसको आग लगाई गई है गाड़ी को, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल पुलिस कर रही है। शुक्रिया, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे पुनीत। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली से है, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। दिवाली प्रोग्राम के दौरान जमकर यहां पर बवाल हो गया। एबीवीपी छात्रों का आरोप है दूसरे गुट ने धक्का मुक्की की है। ये देखिए जो हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे, जमकर नारेबाजी हुई है, धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है दिवाली प्रोग्राम के दौरान। ये सब कुछ हुआ दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला सुनिए आप। और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। किस तरह के हालात दिखे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच में हुआ हंगामा और धक्का मुक्की मामले की जानकारी मिलने के बाद जामिया प्रशासन ने मौके पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की। दरअसल जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दीपावली का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें दिए जलाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इतने में एक गुट जो है वो यहाँ पर पहुँचा और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसी दौरान एक शख्स का पैर दिए पर लग गया, जिसके चलते जो हंगामा था वो धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। गेट नंबर 7 के अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर जामिया यूनिवर्सिटी का प्रशासन मौके पहुँचा था और दोनों गुटों को उन्होंने शांत करवाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर आपको फूल बिखरे हुए नजर आएंगे इसी जगह पर हंगामा हो रहा था उसके बाद। और चलिए अब आपको दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीर है जो आयोजन किया गया। एबीवीपी ने दिवाली के मौके पर कैंपस में ज्योतिर्गमय कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसका दूसरे समुदाय के छात्र विरोध कर रहे थे। एबीवीपी का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान दूसरे समुदाय के छात्रों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है और दियों को पैर मार दिया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी दौरान धक्का मुक्की में कई छात्र घायल हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी गई। प्रशासन ने हंगामे को किसी तरह से शांत कराया। हंगामे के बाद कैंपस में हर तरफ टूटे हुए दिए पड़े हुए नजर आए। अब जामिया में जो हुआ उसके बारे में विवेक शर्मा हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट के जरिए तो बता रहे थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से अखाड़ा बन गया विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर कल शाम को हंगामे को लेकर खबर आई। एबीवीपी ने दिवाली पर ज्योतिर्गमय 2024 प्रोग्राम किया और इस दौरान दूसरे समुदाय के छात्र के पैर दिए पर लग गए। हालांकि दोनों पक्षों की कहा सुनी के बाद ही धक्का मुक्की की नौबत आ गई और हंगामे के दौरान दोनों तरफ से धार्मिक नारेबाजी भी होती रही। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने यहां हंगामा किया है, जबकि एबीवीपी का यह आरोप है कि अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के यहां नारे लगाए गए। एबीवीपी का आरोप यह भी है कि धक्का मुक्की में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जामिया प्रशासन ने मामले को शांत कराया, फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और चलिए अब खबर वायनाड से है, बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। वायनाड संसदीय क्षेत्र से वो नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले प्रियंका एक रोड शो भी करने वाली और खबर आपको ये भी बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे।
और अब तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बीती रात प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों से मुलाकात भी की और उसी दौरान की ये तस्वीर, जहां लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था प्रियंका की मौजूदगी के बीच। हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इससे साफ है कि किस तरीके से प्रियंका एक बार फिर से वायनाड के लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले राहुल के साथ वायनाड में मौजूद रहते हुए प्रियंका हमेशा अपने उस खास रिश्ते का जिक्र करती आई हैं, लेकिन आज रोड शो से पहले देर रात की ये तस्वीर है जब वो लोगों के बीच थी। तो वायनाड के चुनावी रण में प्रियंका गांधी जोत्रिहा आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी भाई की सीट पर उम्मीदवार, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव यहां पर हो रहा है और इसके लिए वो नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी जानकारी आपके सामने। लोकसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन होगा प्रियंका गांधी का। रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़ दिया था। प्रियंका गांधी अब वायनाड से दावेदारी कर रही। हालांकि नामांकन से पहले प्रियंका रोड शो भी करेंगी और 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए जिस तरीके से वोटिंग होनी है उससे पहले अब वो लोगों के बीच भी यहां पर मौजूद हैं। अब नामांकन को लेकर आज खबर है, नामांकन के दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा ये जानकारी भी आपके सामने, जहां देखिए सोनिया गांधी के साथ साथ जाहिर सी बात है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी भी बताई जा रही है। और आइए प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाले थे। अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है प्रियंका गांधी का, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब तक का राजनीतिक सफर 2019 की बात करें, सक्रिय राजनीति में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली एंट्री की थी, कांग्रेस महासचिव का जो पद है वो संभाला था और 2019 में जो रोल था वो आप समझिए। लोकसभा चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रियंका गांधी ने। यूपी कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर काम किया था, यूपी कांग्रेस के लिए 2019 के चुनाव में काम किया था, हमने देखा था। 2022 की बात करें, यूपी विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभाला, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस था प्रियंका गांधी का, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा काफी पॉपुलर हुआ, काफी प्रचलित हुआ। 2022 की ही बात है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लीड किया था प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस को हिमाचल में शानदार जीत मिली, सुक्खू इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। 2024 अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, अमेठी रायबरेली के लिए जमकर प्रचार किया था कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने, दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो इसी के साथ पक्की हुई। तो आप देखिए इस तरह से अभी तक अगर हम बात करें तो जो भूमिका है वो प्रियंका गांधी की रही, लेकिन पहली बार ऐसा है जब प्रियंका गांधी डायरेक्ट अब चुनाव में एंट्री कर रही है, यानी कि चुनाव लड़ रही है। चलिए, क्योंकि यहाँ हम गांधी परिवार की बात कर रहे हैं तो गांधी परिवार के सदस्यों के साथ ये तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जहाँ ये चुनावी तस्वीर के लिहाज से भी समझ लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए उस गांधी परिवार के बारे में आपको बता रहे हैं, जहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और संजय गांधी के साथ साथ राजीव गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी जो सांसद के तौर पर भी अपनी भूमिका राजनीतिक सफर में निभाते आए हैं, साथ ही वरुण गांधी और राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर जो हमने आपको बताया किस तरह से 2019 से लेकर अभी तक का उनका सफर है, यानी कि वायनाड अब जब आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एक और खबर, वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी इसे परिवारवाद वाले एंगल से देख रही है। बहुत दिन से मांग थी, पूरे देश भर में मांग थी कि प्रियंका जी भी राजनीति में फुल टाइम आए और इलेक्शन लड़े, और हमें खुशी है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से वो वहाँ से जीत कर आएंगे। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में एमवीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय है और सीट बंटवारे पर आज एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। 110 से 115 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। आपको बता दें 90 से 95 सीट पर चुनाव उद्धव की शिवसेना लड़ सकती है। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक, संजय राउत की तरफ से कहा गया। तो महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने क्या कहा आपको ये भी सुना देते। हमारे जो ग्रुप है काम करने वाला निगोशिएशन का, उनमें से मुझे भेजा था कि पवार साहब के साथ बात करने के लिए और उनके क्या मन में उनके क्या है वो चर्चा करने के लिए गया था। तो बहुत सारी बातें हुई है, माननीय जयंत राव जी वहाँ थे, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत इसमें हम आगे गए हैं, अच्छा ठीक से हो रहा है सब।
चलिए, तो जिस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत इस वक्त फैसला हुआ है उस बारे में भी जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये फाइनल फैसला है जहां कुल 288 सीटों में से देखिए कांग्रेस चुनावी रण में 110 से 115 सीटों के साथ हो सकती है, जबकि उद्धव गुट 90 से 95 और एनसीपीएसपी 75 से 80। और एमवीए में फिलहाल किन सीटों पर खींचतान को लेकर खबर है, ये जानकारी भी आपके सामने, और उसी के तहत देखना ये होगा कि आज क्या इन सीटों को देखते हुए फैसला हो जाएगा। फिलहाल ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से अभी भी वो महत्वपूर्ण इलाके बताए जा रहे हैं जहां कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर यह खींचतान जारी है, जिसमें नागपुर और साथ ही कोलाबा, रामटेक, वर्सोवा, ये वो जगह हैं, वो सीट्स हैं जहां पर अभी भी फिलहाल बातचीत नहीं बन पाई है। और देखना ये होगा कि नागपुर दक्षिण, कोलाबा, बांद्रा पूर्व, रामटेक, वर्सोवा, परोला, एरडोल, वरोरा, भाईखला, घाटकोपर, अमरावती, दरियापुर और कुर्ला वेस्ट को देखते हुए आज क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना ने जारी की है अपनी पहली लिस्ट। शिवसेना ने 45 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कोपरी 5 पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिंदे। तो देखिए शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया। कुल मिलाकर 45 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो कोपरी 5 पाखाड़ी से उनके चुनाव लड़ने की खबर। तो शिंदे गुट की पहली लिस्ट के बारे में आपने जाना, बड़ी बातें भी आपको यहां पर बता देते हैं, क्योंकि 45 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के तहत खबर सामने आई है। और सीएम शिंदे कोपरी 5 पाखाड़ी से उम्मीदवार, और साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को यहां टिकट दी गई है। शिंदे समर्थक सभी विधायकों को टिकट मिली है, कई विधायकों के रिश्तेदारों को भी टिकट दी गई है। हालांकि मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत को भी टिकट को लेकर खबर आ रही है। दिवंगत विधायक अनिल बाबर के बेटे को खानपुर से टिकट। तो शिवसेना के बड़े चेहरे आखिर कौन कौन से कहां से उम्मीदवार है, ये पूरी जानकारी बिग बॉल के जरिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो कोपरी 5 पाखाड़ी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। संजय गायकवाड़ की बात करें बुलढाणा, अब्दुल सत्तारा सिल्लोड से, जो 45 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। संजय शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम से इन्हें उतारा गया है। माले गांव बाहर से उतारा गया है दादाजी भुसे को, और प्रताप सरनाइक को उतारा गया है ओवला माझी फड़ा से। तो 45 जो कैंडिडेट सामने, इसमें जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें शिवसेना की पहली लिस्ट आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे मां कामाख्या के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिंदे ने फिर सरकार बनाने का दावा भी किया। पहली लिस्ट है, हां जी, फिर दूसरी आ जाएगी, और फिर चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेगी जोर से, ताकत से। और देखिए एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। एमएनएस ने पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम से टिकट दिया गया, वो लिस्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एमएनएस की तरफ से भी किया गया है। सबसे खास ये कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब एमएनएस की ये पहली लिस्ट, इसको देखते हुए बड़ी बातें भी जान लीजिए, क्योंकि यहां भी 45 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर खबर आई है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ेंगे और मुंबई के माहिम से उम्मीदवार हैं अमित ठाकरे, ठाकरे खानदान के दूसरे सदस्य जो चुनावी मैदान में होंगे। 2009 के चुनाव में एमएनएस के 13 कैंडिडेट चुनाव जीते थे। मौजूदा विधानसभा में एमएनएस के पास सिर्फ एक विधायक है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने पर क्या कहा। सगाड़ी में सब अलविल है, डोंट वरी, कल हम दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बता दें। सर अमित ठाकरे चुनाव लड़ने वाले माहिम विधानसभा क्षेत्र में, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में जेएमएम ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार रहेंगे। चाईबासा से दीपक बिरुवा को टिकट दी गई है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जेएमएम की पहली लिस्ट कौन कौन से नाम है। पहली लिस्ट में
35 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पूरी जानकारी पहले लिस्ट को लेकर जेएमएम की, पहले लिस्ट में 35 उम्मीदवारों का नाम है। बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसके अलावा गांडे सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया है। गांडे सीट से मौजूदा विधायक है कल्पना सोरेन, उन्हें यहां से एक बार फिर से टिकट दिया गया। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। तो 35 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें आपको बता रहे परिवार के कुल मिलाकर 3 लोगों को पहली लिस्ट में जगह मिल गई है। गठबंधन के तहत अगर बात करें तो जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 14 अनुसूचित जनजाति, 5 अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं वो भी घोषित किए गए। 35 कैंडिडेट्स में 3 महिलाओं को और 3 मुस्लिमों को टिकट मिला है। तो 35 उम्मीदवारी की जो लिस्ट है उसमें क्या खास बात है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 66, कांग्रेस ने 21 कैंडिडेट्स का अभी तक ऐलान कर दिया है, ये जानकारी भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब अगली खबर यूपी की सियासत से जुड़ी, जहां यूपी उपचुनाव को देखते हुए खबर बड़ी है क्योंकि कांग्रेस को एसपी ने एक और सीट का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद खैर के बाद फूलपुर सीट का ऑफर दिया है और खबर है कि तीसरी सीट ऑफर होने के बाद कांग्रेस उपचुनाव लड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में एसपी 12 सीटों के साथ गठबंधन चाहती है। बीजेपी मुख्यालय में यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य की बैठक, निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद। निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। अब यूपी उपचुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के मंथन को लेकर खबर जानिए, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी और निषाद पार्टी की मीटिंग को लेकर खबर आई। सीटों के बंटवारे पर समाधान के लिए दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई और आपको इस बीच ये भी बता दें कि जेपी नड्डा के घर केशव मौर्य ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, जहां मजवा कटहरी विधानसभा सीट मांग रहे हैं संजय निषाद और संजय निषाद की अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारने की भी मांग है। निषाद पार्टी के साथ 2 सीटों पर फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिव सुनील बंसल को लगाया, आज संजय निषाद और सुनील बंसल की भी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करें, मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख से मुलाकात की है। भागवत योगी के बीच करीब 20 से 22 मिनट तक चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है। आप देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप देख पा रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में ये मुलाकात हुई है, बात हुई है, चर्चा हुई है और जानकारी यह है कि करीब 20 से 22 मिनट तक मुलाकात चली। तो मथुरा में भागवत और योगी की मुलाकात के बारे में खबर है। संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच हुई बैठक और दोनों के बीच करीब 20 से 22 मिनट तक बैठक हुई है, बातचीत हुई है। बैठक के दौरान सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात है और योगी आदित्यनाथ परिसर में 2.5 घंटे के करीब मौजूद रहे। सीएम ने आरएसएस कार्यकारी मंडल बैठक की तैयारियों का भी जायजा लिया है। गौ सेवा के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की है। और अगली बड़ी खबर, विमानों को मिल रही धमकियों पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। फ्लाइट में बम के अफवाहों के चलते बड़ा बदलाव किया गया है। धमकियों के मद्देनजर BTAC के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। बदलाव से तेजी से एक्शन लेने में मदद मिलेगी। एयरपोर्ट पर लगातार मिल रही धमकियों के चलते यह एक्शन लिया गया है, यह बदलाव किया गया है। BTAC के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया क्योंकि लगातार फ्लाइट में बम की धमकी मिली और अभी हाल ही में एक साथ कई फ्लाइट्स में बम होने की खबर मिली थी, धमकी मिली थी, इसके बाद यह सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव। तो फिर मिली विमानों को धमकी, जी हां पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त अब तक कुल मिलाकर 54 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के जरिए बम की जो धमकियां हैं वो दी गई है। देश विदेश के अलग अलग फ्लाइट्स को कई दिनों से धमकी मिल रही है। सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह की बात करें तो 30 फ्लाइट्स को धमकी दी गई है। मंगलवार की दोपहर 3:15 13 विमानों को धमकी मिली। तो आप देखिए सोमवार और मंगलवार को भी लगातार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसी के बाद जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। धमकी मिलने के बाद प्रोटोकॉल क्या है आप ये देखिए, विमान सुरक्षित स्थान पर जो डाइवर्ट है वो किया जाता है। धमकी मिलने की पूरी
फ्लाइट की चेकिंग होती है, संदिग्ध की तलाश के लिए यात्रियों की भी जो चेकिंग है वो की जा रही है। पैसेंजर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, होटल्स में पैसेंजर्स के ठहरने की जो व्यवस्था है पूरी की जाती है, पूरी जांच के दौरान करोड़ों रुपए का ईंधन भी खर्च हो जाता है, उसकी खपत होती है। अभी तक 600 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया इससे। हालांकि अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या सामने आया है अपडेट आपके सामने, क्योंकि विमानों में बम की धमकी देने वालों की तलाश, अब तक सिर्फ मुंबई से ही एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और विमानों को धमकी देने के मकसद की भी जांच की जा रही है। जिन हैंडल्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है उसके तहत जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, चक्रवात तूफान दाना को लेकर अलर्ट। ओडिशा में 14 जिलों के स्कूल और कॉलेजेस 25 तारीख तक बंद करने का फैसला। बंगाल के 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने का फैसला। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। दाना के चलते रेलवे ने रद्द की है 103 ट्रेनें। तूफान को लेकर इमरजेंसी मोड पर ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो तूफान दाना को लेकर ओडिशा में इस वक्त हाई अलर्ट है। तो दाना की हिसाहट को देखते हुए राज्यों में किस तरीके का अलर्ट है, डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि आज से 26 अक्टूबर तक आपको बता दें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अलर्ट को देखते हुए खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हालात को मॉनिटर किया जा रहा है। सवाल उसके असर को देखते हुए भी समझना जरूरी है, क्योंकि 197 ट्रेनें और स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला लिया गया है। अब देखिए पर्यटकों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है, बंगाल के कई जिलों में भी अलर्ट है, जिस तरह से अलर्ट उड़ीसा में जारी किया गया। तैयारियां क्या है, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हालात को देखते हुए 10 जिलों में ODRF की 17 टीमें तैनात की गई। पर्यटकों को पूरी शहर खाली करने की सलाह दी गई है। 24 घंटे काम करेंगे कंट्रोल रूम।